बेरोजगार संघ द्वारा जारी आंदोलन के मद्देनजर कल होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रशासन द्वारा सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र की जांच करने के बाद उन्हें देहरादून भेजा जा रहा है। वहीं उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कुठाल गेट और कोलू खेत पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि वीकेंड होने के कारण काफी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से मतलब जो है यहाँ पर आज वीकेंड है, काफ़ी संख्या में लोग जो है मसूरी घूमने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए और कुछ लोग देहरादून भी जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से हम जो चेक कर रहे हैं। मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कोई बिना हेलमेट और इस तरीके से, साथ साथ में इस तरीके का जो अभी हाल में माहौल बना हुआ है, कुछ लोग इस तरीके उधर भी तो नहीं है, वो भी चेक कर रहे हैं। सर, बेरोजगार संघ के जो लोग हैं वो भी देहरादून की तरफ पूछ कर रहे हैं, किस तरीके का है, आपने कहाँ कहाँ सीमाएं सील की हैं सर इसको लेकर? ना, ऐसा नहीं है, कोई सीमा सील नहीं है, सब सीमाएं खुली हुई हैं। बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं और अच्छा माहौल बना हुआ है आज। और जहाँ तक बेरोजगार संघ का है तो यहाँ से अभी कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया, सब जो है टूरिस्ट है और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके पास एडमिट कार्ड है। तो लगातार किस कब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा सर? अब आज का दिन हम क्योंकि वीकेंड में काफ़ी लोग वायलेशन करते हैं और उल्लंघन करते हैं, तो हम उसको ध्यान रखें। परीक्षाएं भी हैं सर, परीक्षाएं देने भी जा रहे हैं कुछ लोग, उनको हम कोई रोक टोक नहीं है, परीक्षा वालों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप चाहिए पहुँचें।